आखिर कौन है महादेव शिव के आराध्य। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल महादेव दर्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें ताकि हमारे चैनल से आने वाली लेटेस्ट जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आइए जानते हैं कि महादेव शिव किसकी आराधना में व्यस्त रहते हैं, आखिर कौन है महादेव शिव के आराध्य। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान शिव परम तपस्वी हैं, उन्हें हमेशा तपस्या और ध्यान करना सबसे ज्यादा प्रिय है। हमने अपने कई वीडियो में आपको बताया भी है कि देवों के देव महादेव चाहे कैलाश पर्वत पर निवास करें या फिर शमशान में, वह सिर्फ ध्यान में रहना ही पसंद करते हैं। भगवान शिव की छवि भी एक तपस्वी की तरह ही हर जगह दिखाई देती है, क्योंकि वह सांसारिक मोह माया एवं सभी प्रकार के भौतिक सुखों से दूर रहना पसंद करते हैं। शिव की छवि शरीर पर भस्म रगड़े हुए, माथे पर त्रिपुंड तिलक लगाए हुए, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू है। वह तन पर मात्र एक बाघम्बर ओढ़े हुए है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर देवादिदेव किसकी आराधना करते रहते हैं। एक बार शंकर जी को तपस्या में लीन एवं जप करते हुए देख पार्वती जी को आश्चर्य हुआ कि देवों के देव महादेव भला किसका जाप कर रहे हैं। जब पार्वती जी से नहीं रहा गया तो उन्होंने आखिरकार महादेव से पूछ ही लिया कि हे प्रभु, आप तो देवों के देव हैं, भला आप किसका ध्यान कर रहे हैं। माँ पार्वती के प्रश्न का जवाब देते हुए महादेव ने कहा, मैं राम नाम जपता रहता हूँ क्योंकि वही मेरे आराध्य है। उनके मुख से यह सुन पार्वती माँ के मन में फिर दूसरा प्रश्न उठा। पार्वती माँ ने पूछा, प्रभु श्री राम तो श्री हरि के ही अवतार हैं, तो आप श्री हरि का नाम छोड़ श्री राम का नाम क्यों जपते हैं। उनके मन में उठती ऐसी दुविधा को दूर करते हुए महादेव ने उनसे कहा कि यह राम नाम अकेले ही सहस्त्र नामों के बराबर है। महादेव ने कहा, राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। इसका अर्थ यह है कि राम नाम सहस्त्र नामों के बराबर है। भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा, शक्ति, राम और कृष्ण सभी एक ही हैं, केवल उनमें उनके नाम रूप का भेद है। इनके आधारिक तत्व में कोई अंतर नहीं है। किसी भी नाम से परमात्मा की आराधना की जाए वह उसी सच्चिदानंद की उपासना करने के समान है। पद्य पुराण के अनुसार इसके पीछे एक कथा यह भी है कि एक बार बुद्ध कौशिक नाम के ऋषि को महादेव ने स्वप्न में दर्शन करते हुए उनसे राम रक्षा स्रोत लिखने के लिए कहा। बुद्ध कौशिक जी ने स्वप्न में ही महादेव से यह प्रार्थना कर कहा कि हे प्रभु, यह मेरे लिए असंभव है। बुद्ध कौशिक के ऐसा कहने पर शिव जी ने श्री राम लक्ष्मण स्त्रोत पूरा का पूरा सपने में ही कौशिक ऋषि को सुनाया, जिसके फलस्वरूप बुद्ध ऋषि ने राम लक्ष्मण स्त्रोत लिख डाला। शिव पुराण में ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव सभी एक दूसरे से उत्पन्न हुए हैं। सभी एक दूसरे को तन मन से धारण करते हैं, एक दूसरे के अनुकूल रहते हैं। संसार में निरंतर तीन प्रकार के कार्य चलते रहते हैं, उत्पत्ति, पालन और संहार। इन तीन कार्यों के नाम हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा रजोगुणी मूर्ति है तो विष्णु सतमूर्ति और वही शिव तमस मूर्ति है। तो दोस्तों, ये थी पुराणों एवं ग्रंथों की कथाएं, परंतु हम सब जानते हैं कि श्री हरि, विष्णु एवं शिव दोनों एक दूसरे के हृदय में ही रहते हैं। दोनों अपने दर्शन का फल एक ही मानते हैं। कृष्ण भगवान शंकर से कहते हैं कि मुझे आपसे प्यारा कोई नहीं, आप मुझे अपनी आत्मा से अधिक प्रिय हैं। वहीं दूसरी तरफ विष्णु भी शिव की महिमा का गुणगान करते रहते हैं एवं उनका नाम लेते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपको यह कथा अवश्य पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।